हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपका आधार कार्ड हो गया है तो आप फिर से आप अपना आधार कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और उसे प्रिंट करके अपने पास रखेंगे। लेकिन दोस्तों आपके पास काफी सारा समस्या है, ना ही दोस्तों आप अपना आधार कार्ड का कोई सभी फोटो कॉपी आपने करा करके नहीं रखा था, और साथ साथ दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी याद नहीं है, ना ही कहीं आपने नोट करके रखा था। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अगर आपका आधार कार्ड नंबर याद ही नहीं है तो आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको इसका समस्या का हल भी बताऊंगा कि अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, आपका आधार कार्ड नंबर भी नहीं याद, तो आप अपने नाम से ही दोस्तों आप अपना आधार कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, मैं दोस्तों इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो यहां पर रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दें, और यहां पर आपके पास बेल घंटे भी नजर आ जाएगा, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले दोस्तों आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर या फोन जो भी होगा सब में सेम ही प्रोसेस होने वाला है, तो आप उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके लैपटॉप कंप्यूटर फोन में कोई सा भी ब्राउजर हो, चाहे क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स, उसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंचना है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल सब सर्च कर दें UIDAI.gov.in, या तो सिंपल से आप UIDA भी आप टाइप कर देंगे, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टाइप करने के बाद सिंपल से इंटर दबाइए, सर्च कीजिए। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे एक नया टैब यहाँ पे ओपन हो गया, और यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ दोस्तों आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर पता करना होगा, तो कैसे करेंगे दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे एक और आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए जैसे आएंगे दोस्तों यहाँ पे एक नया इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको नजर आता होगा, देख सकते हैं आपको नजर आता होगा गेट आधार, देख सकते हैं गेट आधार में आपको एक सेक्शन नजर आता होगा रिट्राइव लॉस्ट ऑफ फॉरगेट EID या तो फिर UID, देख सकते हैं। इस पर आपको क्या करना है दोस्तों, क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक नया इंटरफेस ओपन हो गया, यहाँ पर दोस्तों सिंपल से आपको आधार कार्ड का नंबर पता करना होगा। इसके लिए दोस्तों काफी सारे यहाँ ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों आपको तो आधार कार्ड नंबर याद ही नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों सिंपल से आप अपना नाम यहाँ पे देख सकते हैं, नाम इंटर करना होगा, और आपके पास जो मोबाइल नंबर है उसे फिल करके आपको यहाँ से कैप्चा फिल करके आप यहाँ पे सेंड OTP मंगा सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास तो आधार कार्ड नंबर है नहीं दोस्तों, तो सिंपल से आपको आधार कार्ड नंबर पता करना होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको नजर आता है इंटरनेम, तो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी रजिस्टर है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं इंटर ईमेल एड्रेस आपको नजर आता होगा, ये दे सकते हैं, या तो फिर दोस्तों आपके पास अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो ये दे सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा आपको नजर आता होगा, देख सकते हैं ये कैप्चा, सेम इस कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और सेंड OTP पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई करते हुए आपके पास आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। मैं प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारा आधार कार्ड में नाम था, मैं यहाँ पे इंटर कर दिया, सेम नेम आपको लिखना है जो आपके आधार कार्ड में, ये तो आपको याद ही होगा, तो आप अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना इंटर मोबाइल नंबर लिख दिया जो हमारे आधार कार्ड में लिख था। अगर दोस्तों आपके पास ईमेल आईडी है, आपको ईमेल आईडी याद है तो ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, और सेम है दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन पर आपको कैप्चा नजर आता होगा, सेम कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे दोस्तों इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद आपको नीचे देख सकते हैं सेंड OTP नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे सेंड OTP आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा OTP हमारे फोन नंबर आ चुका है। यहाँ पे हमको सिंपल से दोस्तों यहाँ पे जो इंटर OTP नजर आता होगा यहाँ पे आपको फिल कर देना है, तो आपके फोन पर भी जो रजिस्टर है उस पे आपके OTP चल गया होगा, तो OTP यहाँ फिल कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट पर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं हमारे फोन में आ गया, तो यहाँ पे OTP फिल करता हूँ, उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली दोस्तों हमारे फोन नंबर पे एक OTP आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद सिंपल से आपको भी फिल कर देना, उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना। जैसे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे खुलकर आ चुका है, देख सकते हैं योर आधार नंबर, देख सकते हैं यहाँ पे इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है योर आधार नंबर। यहाँ पे आधार नंबर का 12 डिजिट यहाँ शो होता है, लेकिन उसमें से 4 डिजिट यहाँ पे नजर आता होगा आपको, बाकी हाइड है। इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे जो एक मैसेज गया होगा, उस मैसेज में आपका आधार कार्ड का पूरा डिटेल दिया होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड का 12 डिजिट आपके पास शो होता होगा। यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन लगा दे रहा हूँ फोन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी वे में मैं स्क्रीन शॉट लगा देता हूँ, हमारे मैसेज यहाँ पे आया हुआ, तो मैं डिस्प्ले पे आपको शो कर देता हूँ। सेम दोस्तों आपके फोन में भी गया होगा, तो सिंपल से आप उस आधार नंबर को आप लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको फोन से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आता होगा मेरा मैसेज, और मैसेज में देख सकते हैं दोस्तों हमारा आधार कार्ड 12 डिजिट का यहाँ पे आ चुका है।
जैसे दोस्तों आपके फोन नंबर पे मैसेज आ जाएगा, आपका आधार कार्ड 12 डिजिट का आपके पास शो हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, उसे आपको नोट कर लेना है कहीं पे। अब नोट करने के बाद दोस्तों आपको डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको फिर से सेम एज प्रोसेस सबको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों फिर से आपको क्या करना है, एक नया पेज ले लेता हूँ, शुरुआती तौर से आपको बता देता हूँ। फिर से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, तो इसके लिए दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे UID आप टाइप कीजिए। जैसे UID आप टाइप कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पर आपको पहले ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा इंटरफेस आ गया, यहाँ पे आपको आधार कार्ड को डाउनलोड करना है दोस्तों। इसके लिए से आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आना, यहाँ पे एक सेक्शन आपको नजर आता होगा गेट आधार। सिंपल सा आपको गेट आधार में आपको देख सकते हैं, लास्ट में आपको नजर आता होगा डाउनलोड आधार, देख सकते हैं यहाँ पे आपको डाउनलोड आधार। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास आधार नंबर आ गया, तो इजी वे में अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सिंपल सा आपको डाउनलोड आधार पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे, एक फिर से यहाँ पे एक नया पेज आ जाएगा। नया पेज आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाता है, नीचे को आप स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपके पास एक ऑप्शन मिलता होगा डाउनलोड आधार, देख सकते हैं एक डाउनलोड आधार सेक्शन बना हुआ है। सिंपल से दोस्तों इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड करने का। तीन ऑप्शन है दोस्तों, तीनों ऑप्शन को मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आता होगा आधार नंबर, देख सकते हैं आधार नंबर से कर सकते हैं, एनरोलमेंट आईडीज कर सकते हैं, और तीसरा जो है दोस्तों आप वर्चुअल आईडीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने तो आपके फोन नंबर पर अभी आधार कार्ड नंबर आ चुका है, तो सिंपल से आपके पास तो आधार कार्ड नंबर हो गया, तो सिंपल से आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कीजिए, और जो यहाँ पे कैप्चा आपको नजर आ रहा है डिस्प्ले पे, सेम कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। फिल करते होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेंड ओटीपी आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे सेंड ओटीपी। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करना। तो चलिए दोस्तों जो हमारे पास आधार कार्ड नंबर आया था उस आधार कार्ड नंबर को फिल करता हूँ, कैप्चा जो नजर आया उसे फिल करता हूँ, सेंड ओटीपी क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड 12 डिजिट भेजा गया था वो यहाँ पे इंटर आधार नंबर में फिल कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा स्क्रीन पर आपको शो होता होगा, सेम कैप्चा दोस्तों यहाँ पे आपको इंटर कैप्चा में फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सेंड ओटीपी आपको नजर आता हो इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से देख सकते हैं ओटीपी सक्सेसफुल डिस्पैच टू योर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो आपके आधार जो रजिस्टर मोबाइल नंबर था जिससे इसमें पहले आया था ओटीपी, सेम उसी नंबर पर आपको एक ओटीपी गया होगा। तो सिंपल सा यहां पे आपको ओटीपी फिल करना। चलिए दोस्तों जो हमारे फोन नंबर पर आ गया ओटीपी, मैं इसे फिल करता हूं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना जो हमारे फोन नंबर पर जो ओटीपी आया था यहाँ पे मैं फिल कर दूँ, इंटर ओटीपी में फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आता होगा वेरीफाई एंड डाउनलोड, सिंपल सा दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों एक नया इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा एक PDF फाइल में होता है इसे किस प्रकार से आप ओपन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे आपको शो होता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको डाउनलोड हो चुका है PDF फाइल में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक पासवर्ड लगा होता है इस PDF फाइल में, ये जो आपने डाउनलोड किया एक PDF में होता है, इस PDF में आपके 8 डिजिट का पासवर्ड होता है। पासवर्ड क्या होता है मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ। सबसे पहले पासवर्ड को समझिए तभी आप वीडियो में आगे बढ़िएगा, और यहाँ पे दोस्तों तभी इसे ओपन कीजिए, नहीं तो आपके पास डाउनलोड हो तो गया लेकिन इसे आप ओपन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसे पासवर्ड क्या होता है। जैसे आपका नाम मान लीजिए किसी एक एग्जाम्पल को, यहाँ पे नाम है अनीश कुमार, देख सकते हैं अनीश कुमार नाम है, तो आपका जो भी नाम होगा उसका फर्स्ट 4 डिजिट, यहाँ पे जैसे अनिश कुमार नाम है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका 4 फर्स्ट डिजिट यहाँ पे आपको नजर आता होगा ANIS, इसका 4 फर्स्ट डिजिट होता है, कैपिटल लेटर में लिखना है। और सेम है दोस्तों इसका डेट ऑफ बर्थ है 1989 है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको आपका भी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसका लास्ट 4 डिजिट आपको टाइप कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पे बनकर आ चुका है। तो इसका पूरा जो पासवर्ड हो गया दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देख सकते हैं इसका पूरा पासवर्ड हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पासवर्ड हो गया ANIS 1989, सेम है ठीक से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका 4 फर्स्ट का 4 नेम और इसका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है उसका 4 डिजिट, टोटल 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होता है। जब आपके पासवर्ड मिल जाएगा आपको पता हो गया कि हमारा आधार कार्ड का जो PDF फाइल उसका पासवर्ड क्या है, तो अब उसे ओपन कर सकते हैं। अब ओपन कीजिए तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे PDF फाइल डाउनलोड हो गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, शो इन फोल्डर पर जाता हूँ। जैसे दोस्तों शो इन फोल्डर पर जाते हैं देख सकते हैं हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो गया, तो इसमें डबल टाइप करके मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे मैं डबल टाइप करता हूँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्क्रीन पर सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो पासवर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, जब पासवर्ड फिल कीजिएगा तभी यहाँ पे ओपन फाइल के ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, तभी आप इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे 8 डिजिट का पासवर्ड था उसे मैं फिल किया, उसके बाद देख सकते हैं जैसे मैंने फिल किया उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है ओपन फाइल। अब यहाँ पे दोस्तों आप जैसे आप भी फिल कर लेंगे उसके बाद आपके पास ओपन फाइल पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड होकर आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूरा डिटेल है, तो यहाँ पे इसे ब्लर कर दूंगा सिक्योरिटी रीजन के कारण। तो आप जब इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आधार कार्ड, तो उसे आप इजी वे में अब यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं या तो फिर अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया किस प्रकार से आप अपना आधार कार्ड को
अपने नाम से ही डाउनलोड करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ उसे प्रिंट करके किस प्रकार से निकालेंगे। अब आपके पास आधार कार्ड आ गया है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, जो भी आपके पास समस्या था मैंने आपको उसका हल कर दिया। तो आशा करें दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर रेड करें, आपको सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इस पर क्लिक कर दें, बेल घंटे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले मिल सके। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।